अस्सलामु अलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो करते हैं आज एक नए वीडियो की शुरुआत। और यहाँ पर मैं आज बच्चों को ले आई थी उनकी सबसे ज़्यादा फेवरेट प्लेस, जिसका नाम था बम्बल जम्बल। वीडियो के स्टार्ट में ही आपने ये नाम देख लिया होगा। और चलते हैं अंदर की तरफ। तो सबसे पहले आपको बता दें कि यहाँ का जो एंट्री फीस है वो है 700 पर चाइल्ड, और ये एडल्ट्स के लिए बिल्कुल फ्री है। अंदर आने से पहले आपको यहाँ पर हाथ पे एक बैंड बांधा जाता है, जिस पर टाइम स्लॉट लिखा होता है, और ये करीबन 1.5 घंटे का होता है। यानी आप यहाँ पर कम्प्लीटली बम्बल जम्बल के दो फ्लोर है, ये आप 1.5 घंटे में अच्छे से इंजॉय कर सकते हैं सारी कुछ एक्टिविटीज़। और इस कॉर्नर से मैंने की थी वीडियो की शुरुआत, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर काफ़ी सारे प्रोफेशंस की प्रिटेंडेड टॉयज़ रखे गए हैं, जिस तरह से कंस्ट्रक्शन, हॉस्पिटल, मार्केट और काफ़ी सारी ऐसी एक्टिविटीज़। तो यहाँ का जो एरिया है वो काफ़ी बड़ा है, और छोटे से बड़े हर कोई बच्चा यहाँ पर इंजॉय कर सकता है। प्रिटेंडेड टॉयज़ की आप देख सकते हैं कि यहाँ पर डिटेलिंग कितनी अच्छी तरीके से की गई है। हर एक टॉय अपने आप में परफेक्टली डिज़ाइन है, और स्पेशली जो छोटे बच्चे होते हैं जिनको फ्रूट वेजिटेबल शेप्स का नॉलेज देना होता है, तो ये जगह उन्हीं के लिए है। और ये जो प्लेस थी ना, ये दोराबजी मॉल में है। उंद्री में एक मॉल है जिसका नाम है दोराबजी, आपको ये उसी के 5th फ्लोर पर मिल जाएगा। आज था सैटरडे, और बच्चों ने ज़िद की के बाद सारा दिन बाहर स्पेंड करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमने लंच किया, और लंच करने के बाद हम यहाँ पर आ गए। समर सीज़न के होने की वजह से यहाँ पर दोपहर का टाइम ज़्यादा रश नहीं नज़र आती, तो आप चाहे तो इस वक्त यहाँ पर आके सारी एक्टिविटीज़ इंजॉय कर सकते हैं। यहाँ की एक अच्छी बात ये भी है कि छोटे बच्चों को यहाँ पर खेलने के लिए यहाँ का स्टाफ पूरी तरह से हेल्प और असिस्ट करता है। और जो मैंने आपको फ्लोर बताया था, ये इसका लेवल 1 था। अब हम जाते हैं लेवल 2 की तरफ। तो ऊपर जाते जाते आपको मैं सारा नज़ारा एक साथ दिखा चुकी हूँ, और ये आ गए थे हम लेवल 2 पर। यहाँ पर काफ़ी सारी स्लाइड्स, प्ले एरिया और एक छोटा सा गो कार्टिंग एरिया भी बनाया गया था, जहाँ पर बड़े बच्चे स्पेशली बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करते हैं। इस फ्लोर पे आपको बंजी जंपिंग, ट्रैम्पोलिन और जिपलाइन भी देखने के लिए मिल जाएगा। बच्चों को चोट ना लगे इस बात का भी यहाँ पर ख्याल रखा जाता है, इसलिए हर बार जब बच्चे स्लाइड करते हैं तो सारे बॉल्स उनकी तरफ कर दिए जाते हैं, ताकि उन्हें किसी तरह की चोट ना लगे। यहाँ आने से पहले सॉक्स पहनना कंपलसरी होता है, और अगर आप सॉक्स पहनना भूल जाते हैं तो आप टिकट काउंटर से भी उन्हें परचेस कर सकते हैं। काफ़ी सारी मस्ती करने के बाद हम यहाँ से निकल चुके थे अपने आज के अगले स्पॉट की तरफ, जो कि था बाबदेव घाट। बाबदेव घाट हमारे घर से काफ़ी करीब है, करीबन हम आधे घंटे में यहाँ पर पहुँच जाते, और ये जगह स्पेशली मानसून सीज़न में विजिट करने के लिए बहुत ही अच्छी है। बाबदेव घाट फेमस है अपने व्यू के लिए, क्योंकि मानसून में यहाँ का जो नज़ारा होता है वो देखने लायक होता है। यानी आप पहाड़ के एक हिस्से पर जाके सारा सिटी एक साथ देख सकते हैं, और लोग यहाँ पर शाम के वक्त आना ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि जैसे जैसे यहाँ पर दिन ढलता है वैसे वैसे सिटी की लाइट्स बढ़ने लगती है, और ये नज़ारा बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है। यहाँ किसी तरह की कोई फ़न एक्टिविटीज़ तो नहीं है, लेकिन जैसे जैसे आप आगे आते हैं आपको कहीं सारे ढाबे यहाँ देखने के लिए मिल जाएंगे। शाम हो चुकी थी और हमें भी काफ़ी भूख लगने लगी थी, तो हम भी एक ढाबे पर रुक गए, और हमने भी यहाँ पर कई सारी चीज़ें अपने लिए ऑर्डर की। शाम हो चुकी थी और हम भी थोड़ा थक गए थे, तो इसीलिए हम आराम करने के लिए थोड़ी देर अपने घर आ गए, क्योंकि दोराबजी मॉल और बाबदेव घाट दोनों ही हमारे घर से काफ़ी करीब है। तो थोड़ा बहुत आराम करने और मगरिब की नमाज़ पढ़ने के बाद हम डिनर करने के लिए निकल गए।
बच्चों की फरमाइश थी कि उन्हें डिनर में पाव भाजी खाना है, इसीलिए हम आ गए थे ऐसी जगह जो सबसे ज़्यादा फेमस है अपनी स्पेशल पाव भाजी के लिए। और इस जगह का नाम है क्रीम फ्लेवर, जो कि एमजी रोड पर है। आप देख सकते हैं कि यहाँ का वीकेंड क्राउड कितना ज़्यादा होता है, और हमें यहाँ पर काफ़ी देर इंतज़ार भी करना पड़ा। और हमने भी यहाँ पर पाव भाजी और तवा पुलाव ऑर्डर किया था, इसी के बाद हमने मैंगो विथ क्रीम भी मंगाया। और इन्हीं अच्छी चीज़ों और यादों के साथ हमने हमारा वीकेंड इंजॉय किया। उसके बाद आ गए हम अपने घर। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।